ईसा आदमी कौन जगत में जिसने ना बेटे की चाह हो, रानन पुती कया करें जो बिन बेटे की माँ हो, वंश की खातर लगन मुहूर्त बार तिथि और ब्याह हो, लक्ष्मी चंद का ब्याह शादी में सब बान तिल चावस, चरत परिंदे मनुष्य देव सब वंश बिल चावस। एक भजन आप लोगों के सामने, दो चार बातें जिसमें उस विक्रम को दोषी करार कर दिया जाता है। महाराज भर्तृहरि ने जल्लादों को बुलाया और कहा कि भी जाओ जाकर जंगल में ले जाकर इसका कत्ल कर दो, इसकी दोनों आंखें और सबूत के तौर पर मैं खून देखना चाहता हूं। वो जल्लाद उस विक्रम को जंगल में ले जाते हैं, पता नहीं कैसे ईश्वर की माया फिर जाते हैं, उन जल्लादों के मन में दया आ जाती है, अक्रय इसका कोई दोष नहीं है, अगर इसको मारेंगे तो दोष तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। उस विक्रम की एक पैर की उंगली काट कर खून ले लेते हैं, एक मृग को मार कर उसकी दोनों आंखें निकाल कर और महाराज भर्तृहरि और रानी पिंगला के सामने दरबार में पेश कर देते हैं। समय बीतता चला जाता, उसी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो भगवान की बड़ी ही, भगवान विष्णु के बड़े उपासक थे। एक दिन भगवान विष्णु की कृपा से उसको अमर फल मिल जाता है। वो जब घर आया और अपनी पत्नी को फल, अमर फल दिखाया तो उसने कहा कि अकमार आज अमरों का क्या करेगा, न्यू टोटे में छड़ेगा, टोटे में ही पड़े हैं अमर हो पाचा सप्ती उम्र न्यू टोटे में रहना पड़ेगा, अब फिर क्या करू इस अमर फल का, यहाँ के राजा भर्तृहरि हैं बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा के सुख में सुखी रहते हैं, दुख में दुखी रहते हैं, ये अमर फल उनको दे दो, वो अमर हो जाएंगे, प्रजा का सुख हो जाएगा। वो ब्राह्मण महाराज भर्तृहरि को फल दे देते हैं। महाराज भर्तृहरि रानी पिंगला से बड़े प्रेम किया करते थे। उन्होंने विचार किया कि जय तू यो अमर फल खा लेगा तो रानी पिंगला रह जाएगी, क्यों ना रानी पिंगला को यह फल दिया जाए। महलों में रानी पिंगला जी के पास जाते हैं और उसको फल दिखाते हैं। रानी पिंगला कहती है महाराज आपको कहाँ मिला, तो राजा भर्तृहरि बताते हैं कि कहाँ मिला, कैसे क्या बता। भैंसवाल गांव से सरवर जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ओ महफिल के मां मिले महात्मा, पूरे थे परम फकीर फकीर, रे फल खा ले पिंगला ओ जागा मर शरीर ओ शरीर, फल खा ले पिंगला ओ जागा मर शरीर ओ
तस्वीर हो आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी माननीय संदीप शर्मा जी 1100 रुपए से और पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद मेरे लिए आदरणीय। आज के इस कार्यक्रम की जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे लिए आदरणीय बागपत हाथी करोदा गांव के मेरे बड़े भाई मदन मलिक साहब, कुछ दिनों के बाद ये रिकॉर्डिंग आपको YouTube पर देखने के लिए मिलेगी। 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, मलिक साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरे नंबर पर बताता है तेरे जितना प्रेम मैं किसी और से नहीं करता, जब तू मेरे सामने आ जाती है मेरे को और कुछ दिखाई नहीं देता, मैं तेरे से इतना प्रेम करता हूं, अपने प्रेम का इजहार करता है वो भरतरी, कैसे क्या बता। ओ तेरे कहे बिना एक कदम भी करे ना जो करे
लगी